ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के तीन रास्तों को चुड़ैल के तीन रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। मगरीब होने के बाद अगर इन तीन रास्तों पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती थी। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज, मगरिब का वक्त होने से पहले घर लौटाना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम होते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए चुड़ैल के तीन रास्ते से। चुड़ैल का तीन रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो तीन रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो मगरिब के वक्त के बाद वहाँ तांडव करती है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश तीन रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तीन रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे, अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। दिन भर सूरज गाँव में घूमता रहा। वो उस तीन रास्ते पर भी गया जहाँ उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला एक हफ्ता सूरज सही वक्त पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। मेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। तकरीबन 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी वक्त लग गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मुझे तो लगा कि मेरी बस छूट गई है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, यहाँ मेरे दादा अब्बा रहते हैं, कुछ रोज उनके पास रहने आया था। अच्छा है, तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस तीन रास्ते पर आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा कर मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी दास्तान मालूम है। अच्छा, तो बताओ मुझे वो चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस तीन रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गाँव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गाँव वाले समझ सके कि इस तीन रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है, चुड़ैल चाहती है कि इस तीन रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देखकर सूरज डर गया और गांव की जानिब दौड़ने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे तक आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे तीन रास्ते पर मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करवाऊंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दे उसे। वादा निभाओगे? हाँ, मैं वादा निभाऊंगा। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले रोज दिनकर अकेला तीन रास्ते पे गया और वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद
रोज दिनकर वहाँ कर बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही वक्त में उस तीन रास्ते वाले मंदिर में लोगों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने तीन रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा था। इस बात को अब 40 बरस गुजर गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी जब भी वो चुड़ैल के बारे में सोचता है तो उसका दिल दहल जाता है। चुड़ैल का तीन रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के तीन रास्तों को चुड़ैल के तीन रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। मगरीब होने के बाद अगर इन तीन रास्तों पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती थी। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज, मगरिब का वक्त होने से पहले घर लौटाना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम होते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए चुड़ैल के तीन रास्ते से। चुड़ैल का तीन रास्ता? हाँ, गाँव के बाहर जो तीन रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो मगरिब के वक्त के बाद वहाँ तांडव करती है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश तीन रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तीन रास्ते से जिंदा लौटकर आया हो। बाप रे, अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। दिन भर सूरज गांव में घूमता रहा। वो उस तीन रास्ते पर भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला एक हफ्ता सूरज सही वक्त पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। तकरीबन 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी वक्त लग गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मुझे तो लगा कि मेरी बस छूट गई है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, यहाँ मेरे दादा अब्बा रहते हैं, कुछ रोज उनके पास रहने आया था। अच्छा है, तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस तीन रास्ते पर आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा कर मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी दास्तान मालूम है। अच्छा, तो बताओ मुझे वो चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस तीन रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस तीन रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है, चुड़ैल चाहती है कि इस तीन रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देखकर सूरज डर गया और गांव की जानिब दौड़ने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे तक आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी।
राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे तीन रास्ते पर मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करवाऊंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दे उसे। वादा निभाओगे? हाँ, मैं वादा निभाऊंगा। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले रोज दिनकर अकेला तीन रास्ते पे गया और वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ कर बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही वक्त में उस तीन रास्ते वाले मंदिर में लोगों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने तीन रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा था। इस बात को अब 40 बरस गुजर गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी जब भी वो चुड़ैल के बारे में सोचता है तो उसका दिल दहल जाता है। चुड़ैल का तीन रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था।